क्या आप लोगों को मैजिक पसंद है और ऐसा मैजिक जो आपकी लाइफ में भी हो जाए तो चलिए आज वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं एक एक्सट्रीम लेवल का मैजिक तो चलिए वीडियो देखते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल अनकट लाइफ विद ज्योति में ज्योति आप सभी का फिर से वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जहां पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूं डी ब्यूटी व्लॉग्स हैक्स और भी बहुत अमेजिंग सी वीडियोस आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहती हूँ अपने लाइफ से रिलेटेड तो आज जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना उस चीज़ को मैं पर्सनली बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ अच्छा पर्सनली टाइम से यूज़ तो कर रही थी लेकिन मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि इस चीज़ को मैं इतने तरीके से यूज़ कर सकती हूँ और इसके फ़ायदे जो हैं वो बहुत इंस्टेंट हैं मतलब ये जो वीडियो है ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है जो स्पॉन्सर किया गया है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मुझे ये चीज़ पर्सनली बहुत अच्छी लगी इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं, क्योंकि देखिए अगर कोई चीज अच्छी है तो उसको डेफिनेटली शेयर करना चाहिए क्योंकि शेयर करने से क्या होगा कि जो फायदे मुझे मिल रहे हैं तो वो आप लोगों को भी मिलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि मेरी जो फैमिली है ये बहुत प्यारी है और धीरे धीरे मुझे इसको बड़ा करना है और आप सभी का बहुत सारा प्यार चाहिए मुझे इसको बड़ा करने में तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आगे मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ मैं आपको टी ट्री ऑयल मैं बात आज टी ट्री ऑयल की करने वाली हूं टी ट्री ऑयल यानी कि एक ऐसा ऑयल जो टीका नहीं है सबसे पहले तो यहाँ पर काफ़ी मिथ है काफ़ी लोग ये सो से टीटी ऑयल मतलब कि चाय की पत्ती का तेल ऐसा नहीं है कोई चाय की पत्ती का तेल नहीं है ये जिस ऑयल के बारे में मैं बात कर रही हूँ ये स्पेशली एक ऐसी ब्रांड से एक ऐसी कंपनी से है जो कि इंडियन कंपनी है सबसे बड़ी बात कि इंडिया की ही है अच्छा हमारे इंडिया में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं लेकिन हम लोग क्या करते हैं हम लोग भाग रहे हैं उन प्रोडक्ट की तरफ जो कि बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं है बिल्कुल भी ठीक नहीं है आपकी स्किन को हार्म करते हैं दिन पे दिन हार्श होते जा रहे हैं और इस आपकी स्किन डैमेज होती जा रही है एक तो ऑलरेडी इतना पॉल्यूशन है कि जिससे हमारी स्किन ऑलरेडी डायरेक्ट टच में आती है और स्किन पे इतने सारे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हमारा हेयर फॉल हो जाता है होता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो आज मैं जिस ऑयल के बारे में आपसे बात करने वाली हूं वो ऑयल है ये ऑयल है वो ये है मोदी केयर का ऑयल मोदी केयर का टी ट्री एसेंशियल ऑयल अच्छा इस ऑयल के बारे में मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ लेकिन जस्ट मैंने उसमें यूज़ किया था तो आपको ये तो उस वीडियो से पता चली जाएगा कि मैं इस ऑयल का यूज़ ऑलरेडी करती हूँ यानी कि करती हूँ और करती आई हूँ और करती रहूंगी आगे भी क्योंकि मुझे इसके फायदे ही इतने हैं क्या करूँ अगर आपने स्टार्टिंग से मेरी वीडियोज़ देखी है ना तो आपने देखा होगा मेरी स्किन बहुत डल थी और मेरे को क्या होता है ना कि इस एरिया में अभी भी कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी बहुत स्पॉट्स हैं हल्के फुल्के स्पॉट्स हैं ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पर मेरे को है ना कुछ जो चीन एरिया है यहाँ पर मेरे को पिंपल्स हो जाते हैं वो पिंपल्स बाद में स्पॉट्स बन जाते हैं अच्छा पिंपल्स होते ही क्यों है अगर पिंपल्स ना हो तो वो स्पॉट्स भी ना बने तो इसलिए पिंपल्स को रोकने के लिए एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन है ये पिंपल्स है डार्क स्पॉट्स है या फिर आपकी पैची स्किन हो रही है या फिर आपकी डिसकलरेश कलरेशन कलेरिश, की आपकी प्रॉब्लम है या फिर आपको पिगमेंटेशन है ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है ना तो आप इसका यूज़ करिए और साथ में अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है या फिर आपको हैडक हो गया है बहुत सारा ओवरलोडेड वर्क है और आपको हैडक हो गया है तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको कि आप पर्स में डालकर रख सकते हैं और इंस्टेंटली एकदम से इसका यूज़ कर सकते हैं और उसका असर भी आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा तो आज मैं इसका आपको एक डेमो भी करके दिखाऊंगी कि ये कितना वर्क करता है आपकी स्किन के लिए आपके हेयर फॉल के लिए आपके हेडक के लिए यानी कि एक चीज़ है और इसके फायदे बहुत सारे हैं तो ऐसी चीज़ तो ज़रूर यूज़ करनी चाहिए और साथ में ऑर्गेनिक है इसका कोई भी नुकसान नहीं है एक परसेंट भी नहीं है पॉइंट वन परसेंट भी इसका कोई भी नुकसान नहीं है तो ये कुछ इस टाइप के कार्डबोर्ड में आती है अच्छा इसको कार्डबोर्ड में आती है इसके साथ ही इसमें इस टाइप का एक ड्रॉपर जैसा है कि ये बॉटल निकलता है अच्छा ये जो टी ट्री ऑयल है बहुत सारे ब्रांड में मिलता है नो डाउट गुड वाइब्स में भी मैंने यूज़ किया है इसका और गानिया का भी यूज़ किया काफ़ी काफ़ी सारी ब्रांड्स में ऑलरेडी मिलता है तो लेकिन मेरे साथ क्या है कि मैं हर एक चीज़ को उठा के डायरेक्टली अपने चेहरे पे नहीं लगाती क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मेरे को अपनी स्किन को बहुत ग्लोइंग बहुत हेल्दी दिखाना होता है तो डायरेक्टली ऐसे कोई चीज़ नहीं उठा लेती इसको लेकर पहले मैंने बहुत सोचा कि डायरेक्ट यूज़ करना चाहिए नहीं यूज़ करना चाहिए देन इसका फिर मैंने एक डेमो सेशन देखा उसको देखने के बाद तो मेरे को क्लियर हो गया कि मतलब भाई ये तो मुझे बस चाहिए ही चाहिए और इसको तो मैं अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करने वाली हूँ अच्छा ये मैंने इंक्लूड कैसे किया है अब मैं आपको बताती हूँ इसको आप फेस पैक में डालकर इसके दो ड्रॉप डालिए आप कोई भी फेस पैक लगाते हैं उसमें दो ड्रॉप डालिए और उसको अपने फेस पर लगा लीजिए तो इसके जो भी अच्छे गुण हैं वो आपके फेस में जाएंगे और पिंपल्स नहीं होंगे रिंकल्स नहीं होंगे यार डार्क स्पॉट्स नहीं होंगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको इंस्टेंटली बचा लेगा तो लेकिन इसका यूज़ आपको रेगुलर करना है रात को डेली यूज़ कर लीजिए इसका अच्छा इसको लगाने के बाद डायरेक्टली सन के कॉन्टेक्ट में नहीं आना है ऐसी चीज़ हम जब कोई भी यूज़ करते हैं ना जिसका अच्छा फायदा होता है जैसे हम विटामिन सी यूज़ करते हैं तो विटामिन सी सिरम भी हम यूज़ करते हैं ना तो उसको कभी भी मॉर्निंग में यूज नहीं करना चाहिए उसको भी नाइट में यूज़ करना चाहिए तो ऐसे ही सेम ये है तो इसको भी हमें रात में यूज़ करना है रात में यूज़ कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ फेस पैक में यूज़ करिए आप डायरेक्ट भी इसका यूज़ कर सकते हैं आप दो ड्रॉप लीजिए देन अपनी फिंगर से डायरेक्टली अपनी स्किन पर ऐसे करके टैप करके लगा लीजिए बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है अच्छा ऑयल है तो इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये ऑयल है तो आपकी स्किन को ऑयली कर देगा बिल्कुल नहीं करेगा कत्ता ही नहीं करेगा तो इस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी जिनकी स्किन ऑयली होती है ना तो उनको ही पिंपल्स ब्लैक प्रॉब्लम होती हैं। और इसको हमें हेयर फॉल में कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताती हूं आप जैसे कोकोनट ऑयल यूज करते हैं कोकोनट ऑयल लीजिए कोई भी कोकोनट ऑयल लीजिए वैसे अगर आप इसी ब्रांड का कोकोनट ऑयल लेते ना तो वो बहुत ही अच्छा है बहुत पर्सनली मैं यूज़ करती हूँ तो मोदी केयर ब्रांड का है ये तो कोकोनट ऑयल में आप इसको लीजिए और इसकी दो से लेके चार बूंदें इसकी डाल लीजिए जितनी भी आपके बालों की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपको ये ड्रॉप्स डालनी है और आपको अच्छे से मशाज करके हल्के से और अपना सो जाइए रात को करके दूसरे दिन अपना हेड वॉश कर दीजिए लेकिन इसका रेगुलर यूज़ करिए उसके बाद आपको हेयर फॉल नहीं होगा डेंड नहीं होगा डेंट्रफ की प्रॉब्लम बहुत होती है और इस वक्त तो मौसम भी ऐसा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है तो चलिए एक इसका डेमोस्ट्रेशन है जो मुझे आपके साथ करना है मैं चाहती हूँ आप लोगों को दिखाऊँ कि ये किस तरीके से आपकी स्किन में डायरेक्टली जाता है ऑब्जर्व हो जाता है और साथ में आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको खींच कर निकालती है फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लिया है एक बलून आज मैं यहाँ पर बर्थडे मनाने वाली हूँ आप लोगों के साथ तो ये बलून लिया है और इसके साथ मैं क्या करने वाली हूँ ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है अब देखिए ये बलून लिया है देखिए क्या होता है कि हम जब कोई भी नॉर्मल ऑयल यूज़ करते हैं ना जैसे कि मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल लिया कोई भी नॉर्मल ऑयल यूज़ करते हैं। जैसे फेस पर हम यूज करते हैं या फिर अपने बालों में यूज कर रहे हैं तो उसका काम कितना होता है कि वो आपकी स्किन के अंदर जो है ना इमेडिएटली नहीं जाता है टाइम लेता है और जिनको कि ऑयली स्किन की प्रॉब्लम होती है ना तो वो तो पिंपल्स वगैरह भी निकलने का भी डर रहता है तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूं मान लेते हैं कि ये हमारी स्किन है ठीक है ये बलून है और ये हमारी स्किन है ठीक है और ये है कोकोनट ऑयल तो अब मैंने इस कोकोनट ऑयल को इस पर डालना है इसकी दो चार बूंदें हम इस पर डालते हैं और देखते हैं देखिए इस पर कुछ भी असर नहीं हुआ है ये इसके ऊपर के सरफेस में ही रह गया है ये देखिए ये ऊपर के ही सरफेस में है ये अंदर तो नहीं गया बिल्कुल भी अब मैं दो तीन बूंदें डालती हूँ दो नहीं सिर्फ दो ही बूंदें डालूंगी तीन नहीं दो ही बूंदें डालती हूँ मैं दो बूंदें डालती हूँ टी ट्री ऑयल की जो मोदी केयर का है बहुत ही अमेजिंग से ऑयल है आप देखते हैं इसका इसके साथ क्या असर होता है आप लोग आंखें बंद मत कर लीजिएगा देखिएगा पूरा हुआ सिर्फ दो बूंदें उसमें गई और एकदम से बलून फूट गया तो इसका मतलब क्या है आपको साउंड भी आया इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन के अंदर जो ये ऑयल है वो इतनी जल्दी से पेनिट्रेट होता है इतनी जल्दी से जाता है और जल्दी से वो प्रॉब्लम निकालता है अच्छा अब इसको आप ये मत समझ लीजिएगा ये कोई एसिड है ये एसिड नहीं है ये ऑस्ट्रेलिया में एक प्लांट है टी ट्री ऑयल जो यहाँ पर नहीं होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में टी ट्री का प्लांट है ये उसका ऑयल है ये मेरे इधर भी लग गया ये उसका प्लांट है तो ये चाय की पत्ती का पानी नहीं है चाय की पत्ती का तेल नहीं है ये एक ऐसा ऑयल है जो ऑस्ट्रेलिया में वो प्लांट पाए जाते हैं वहाँ से वो ऑयल निकाला जाता है और इसका यूज़ फिर हम बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से कर पाते हैं फेस पैक में कर पाते हैं डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं आप डायरेक्ट भी यूज़ करेंगे इसका तो कोई भी नुकसान नहीं है आपकी स्किन बस सेंसिटिव नहीं होनी चाहिए ठीक है डायरेक्टली जैसे आपको अगर ऑलरेडी कुछ सेंसेशन हो रही है कुछ किसी चीज़ से पर्सनली कोई सेंसेशन हो जाता है तो डायरेक्टली यूज़ मत करिए आप इसको फेस पैक में डालकर यूज कर सकते हैं या फिर मेरे को तो डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम नहीं होती मैं डायरेक्टली लगा लेती हूँ क्योंकि मेरे को तो पिंपल्स की प्रॉब्लम लॉट्स ऑफ पिंपल्स मतलब कि इतने पिंपल होते थे लेकिन अभी नहीं होते साथ में ठंडा 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 ना भी लगता है इससे तो एक कूलिंग सेंसेशन भी आता है इससे तो इसका कोई भी नुकसान नहीं है आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं करेगा आप बालों में इसको कोकोनट ऑयल के साथ मिलाकर लगाइए आप स्किन पर इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं फेस पैक में लगाइए स्क्रब में मिक्स करके लगाइए रात को आप ये चीज कर सकते हैं और दिन में आप उसको रिमूव कर दीजिए यानी कि ऑयल अपने बालों में डाला है फेस पैक की बात नहीं करी फेस पैक को आप 15 टू 20 मिनट आफ्टर 15 20 मिनट आप उसको रिमूव कर सकते हैं है। हो जाता है अब हैडक कैसे होता है क्योंकि काम का इतना वर्कलोड होता है तो उसमें आजकल इतना सारा काम बढ़ जाता है उसके बाद हैडक होना एक कंपल्सरी हो गया और गर्मियां भी हैं साथ में तो हैडक हो ही जाता है तो आपको क्या करना है कि आपको जैसे विक्स का यूज करते हैं हम या फिर कोई भी बाम वगैरह कोई भी यूज करते हैं तो उसकी जगह हम इसका यूज कर सकते हैं एक तो इसकी जो स्मेल है वो इतनी इतनी अच्छी है कि आपको मतलब बड़ा ही अच्छा सा लगेगा बड़ी अच्छी सी फीलिंग आएगी आपको एकदम आप काम हो जाएंगे तो आपको दो तीन बूंदें लेनी है दो तीन बूंद लीजिए देन ये करिए और अपने यहाँ पर पॉइंट्स पे इस तरीके से हल्के से ऐसे ऐसे मशाज कर लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही देर में आपका जो हैडक है वो बहुत धीरे 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 कम होता चला जाएगा और आपको रिलीफ मिल जाएगा तो देखा एक ही चीज़ है लेकिन इसके फायदे बहुत सारे हैं तो ऐसी चीज़ को तो डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए ये है मोदी केयर ब्रांड का टी ट्री असेंशियल ऑयल जो बड़ा ही अमेजिंग है अगर लेकिन आपको ये नॉर्मली आपको कहीं भी ऐसी शॉप से नहीं मिलेगा ये मोदी केयर ब्रांड का ऑयल है तो ये अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगी कि ये कहाँ से कैसे आप किस लिंक से ले सकते हैं आपको लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो मे भी हो सकता है मैं अभी डिस्क्रिप्शन में ना छोड़ पाऊंगी एक्चुअली मोदी केयर की के मैं ऑलरेडी मेंबर हूँ तो मैंने वहाँ से मेरे को ये और, आ, आ, मिल गया है लेकिन आप लोगों को कैसे परचेस करना है क्योंकि आप मेंबर नहीं हैं तो आप कैसे मोदी केयर का ये जो ऑयल है उसको यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ूंगी या फिर मैं आपको बता दूंगी तो इस ऑयल के बारे में आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये ऑयल इसके असर कैसा लगा और आपने यूज़ किया या नहीं किया तो प्लीज़ मेरे को जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाकर और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो बहुत काम की है मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जब तक के लिए बाय टेक केयर लव यू ऑल गाइज